हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जूते बनाएंगे। बच्चे बड़ों सभी के लिए आप ये जूते बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है और एक ही तरीके से हम बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जूते बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैर के नाप से एक एक इंच ज़्यादा हमें लंबाई और चौड़ाई लेना है। दो कपड़े के बीच में हमें फोम को रखना है और उसके ऊपर सिलाई चलाकर उसे क्विल्ट कर लेंगे। अब इस पर सिलाई चला लेंगे। मैंने दो पीस बना लिए हैं। अब पैर के नाप का आपको ड्राफ्ट बनाना है या पैर को रखकर हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन दोनों साइड से लेना है। लंबाई और चौड़ाई में आधा आधा इंच मार्जिन लेंगे। अब हम दूसरा पीस भी काट लेंगे। दोनों जूतों के लिए हमने बेस तैयार कर लिया है। अब किसी भी एक पीस में कहीं भी एक जगह हमें मार्क कर लेना है और वहाँ से हम पैर की गोलाई का मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे। अब वापस वही मार्क तक हमें कपड़े की लंबाई हमने 25 इंच ली है, जबकि मेजरमेंट 26 इंच आया था, हमें थोड़ा कम लेना है। लाइनिंग रखेंगे बीच में फोम और सबसे ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है और उस पर लंबाई में सिलाई चला लेनी है। ऐसे दो पीस हमें बनाने हैं। पीस को मैंने क्विल्ट कर लिया है, ऊपर पाइपिंग भी लगा ली है। पाइपिंग लगाना मैं आगे आपको बताऊंगी। अब इसका हम मेजरमेंट लेंगे। इसकी लंबाई मैंने थोड़ी और कटिंग कर दी है, लगभग 24 इंच रखी है और साइड साइड से हमने कटिंग कर ली है, तो ये 5.5 इंच चौड़ा पीस रह गया है और लंबाई 24 इंच है। कॉर्नर पे हम कटिंग कर लेंगे। लगभग कॉर्नर से हमें 1 इंच की कटिंग करनी है। यहाँ से लगभग 1 इंच है, 1 या 0.5 इंच। यहाँ से हमें गोलाई में कटिंग कर लेनी है। अब कोई भी एक पीस ले लेंगे। इस पीस का हमें पहले सेंटर निकाल लेना है। कोई भी एक पीस लेकर उसका भी सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से सेंटर मैच करते हुए हमें रखना है। एक साइड हमने सिलाई कर ली है, अब दूसरे साइड से हमें उसी तरीके से सिलाई करनी है। बीच से सिलाई करते हुए हमें आगे तक जाना है। दूसरे पीस को हम पहले पीस के ऊपर रखेंगे और इसे मैंने सिल लिया है। अब जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पे हमें हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। दूसरे मोजे को भी हमें इसी तरीके से बनाना है। दूसरे पीस पे भी हमें पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग मैंने 1.5 इंच चौड़ी रखी है। पीछे की तरफ से पहले पाइपिंग सिला और सीधी तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। दूसरा जूता भी बन गया है। दोनों जूते बन गए हैं। इसके ऊपर मैंने बटन लगा लिया है। देखिए कितनी जल्दी और कितने सुंदर जूते तैयार हो गए हैं। घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे हैं। छोटे बच्चों या बड़ों सभी के लिए आप बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।